आफ्टरनून, मैं हूं आपके फैमिली गुरु जय मदान। आजकल आपकी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, मुझे सुनकर बहुत खुशी हो रही है। देखिए, टाइम जो है वो लिमिटेड है और टाइम को कैसे यूज करना है चॉइस आपकी है। आप इस समय कोई गॉसिप वाला शो भी देख सकते हैं, आप इस समय दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है, सीरियल्स में क्या हो रहा है ये भी देख सकते हैं, या इस समय को आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने अपनों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। मेरा फर्ज है आपको बताना कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, चूज तो आपको ही करना है। आज मैं आपके साथ किस किस बारे में बात करूंगी, आइए देखते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने वाले रुद्राक्ष से कैसे पूरी होगी आपकी इच्छा। महकते कपूर से दूर होगी बदलते मौसम में होने वाली बीमारियां। सिग्नेचर स्टाइल खोलेगा सामने वाले के दिल का राज। घर की छोटी छोटी चीजें आपको बनाएंगी बेहद खूबसूरत। अपनी ही राशि के हिसाब से कल को सुधारिए। वो कपूर की डिब्बी जो आपके मंदिर में पड़ी है, क्या आपको पता है कितनी फायदेमंद है? अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगी, पर इससे पहले शिवजी की बात हो और रुद्राक्ष का जिक्र आए, ये कैसे हो सकता है? रुद्राक्ष के कुछ खास फायदे जानिए। रुद्राक्ष की माला से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। रुद्राक्ष सिर्फ एक फ्रूट फॉर्म ही नहीं है, रुद्राक्ष शिवजी के बहुत प्रिय है, शिवजी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष कुदरत का एक करिश्मा है, इसमें बहुत पावर है, इसीलिए ये आपकी इच्छाओं को पूरी कर सकता है क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उठा देता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ रुद्राक्ष की माला से क्या कमाल हो सकता है। सबसे पहले तो अगर आप 27 मनकों वाली रुद्राक्ष की माला पर मंत्र जाप करते हैं तो इससे आपको अच्छा हेल्थ बेनिफिट मिलता है। अगर आप 30 मनकों वाली रुद्राक्ष की माला पर कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो आपको फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, तो उसको हर समय अपने हाथ में भी लपेट लेते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप 54 मनकों वाली रुद्राक्ष की माला पर मंत्र जाप करते हैं तो आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर आप 108 मनकों वाली रुद्राक्ष की माला पर मंत्र जाप करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है। अब ये तो आप करेंगे तो जानेंगे कि मैं जो बता रही हूँ उस चीज में कितनी ज्यादा पावर है। 108 मनकों वाली रुद्राक्ष की माला पर मंत्र जाप करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है। अब ये तो आप करेंगे तो जानेंगे कि मैं जो बता रही हूँ उस चीज में कितनी ज्यादा पावर है। क्यों ना आपकी कल की बात की जाए, क्यों ना आपको ये बताया जाए जो आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है कल, उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। क्यों ना आप किसी जरूरी डील पर जा रहे हो और आपको बताया जाए कि क्या करने से डील स्ट्रांग होगी। ये सारी चीजें आपको बताती हूँ आपकी राशि के हिसाब से, और किसी अच्छे काम को करने के लिए लकी टाइम भी बताती हूँ। आज फिर से बताऊंगी लेकिन कल क्या करना है वो बताऊंगी। पर इससे पहले जानते हैं कपूर की खास बात। भगवान शिव को कपूर भी चढ़ाया जाता है क्योंकि कपूर ही सिर्फ ऐसी चीज है जो जलने के बाद पूरी तरह से उड़ जाता है, उसकी राख, उसका रेजिड्यू नहीं बचता। तो कपूर पूजा के साथ साथ एसेंशियल ऑयल के रूप में भी यूज किया जाता है। कपूर से कई तरीके की हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो सुनिए, अगर खांसी रहती है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, तो फिर क्या करें? पानी में 2 या 3 टुकड़े कपूर के डालें और पानी बॉईल कर लें, फिर तौलिए से अपने फेस को ढककर उसे स्टीम लें। 15-20 मिनट तक स्टीम लें। ध्यान ये रहे कि कुछ देर बाद ठंडी हवा आपको ना टच करे, इससे आपकी अस्थमा प्रॉब्लम्स, खास तौर पे ये जो कफ एंड कोल्ड, जो स्टिफ कोल्ड होता है, ये खत्म हो जाएगा। अगर स्किन में इचिंग है या पैरों के नाखून में फंगल इन्फेक्शन है तो थोड़े से पानी में कपूर मिलाकर जहाँ इचिंग या इन्फेक्शन है वहां पर लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। अगर लेग्स में क्रैम्प पड़ते हैं, अकड़न है, टांगों में दर्द है, तो थोड़े से सरसों या नारियल के तेल में 2 या 3 कपूर के टुकड़े डालकर अच्छी तरह से गर्म करें। थोड़ा ठंडे होने पर इसे लेग्स के नीचे और ऊपर की ओर मसाज करें, आपके टांगों का दर्द गायब। एक्ने का भी इलाज है कपूर। मुहासों के लिए अपने फेस पैक या क्रीम में थोड़ा सा कपूर पीस कर मिक्स कर पिंपल्स पर लगाएं, एक्ने गायब होने लगेंगे।
अगर आप एक्ने को और जल्दी गायब करना चाहते हैं तो कपूर में थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल मिक्स कर रात को लगाकर एक्ने पर छोड़ दीजिए। 2 या 3 दिन में दाग के साथ आपका पिंपल गायब। सिर्फ कपूर की ही बात क्यों करूं, कपूर के एसेंशियल ऑयल की बात क्यों ना करूं? चलिए 2 मिनट बाद कपूर के एसेंशियल ऑयल की भी बात करेंगे, पर इससे पहले आपकी राशि की बात। मेष राशि के लोग किसी की बुराई ना करें। अगर आप 1 बुराई करेंगे लोग आपकी 10 बुराई करेंगे। अपना कार्मिक बैलेंस क्लियर रखें। लकी टाइम इवनिंग 7 PM। वृषभ राशि के लोग अपनी पॉकेट में लौंग रखें। लौंग रखने से आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM। जेमिनाइज मिथुन राशि के लोग इवनिंग को घर में कपूर जलाएं। कपूर की ही बात हो रही है, कपूर जलाएं। आप लोगों के रिलेशनशिप्स आपस में एक दूसरे से अच्छे रहेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। कर्क राशि के लोग अपने एनिमीज को कम करने के लिए वो आप पर ओवर पावर ना करें, इसलिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:50 AM। वास्तु की मदद से हम आपके पैसे भी बढ़ा सकते हैं और प्रॉब्लम्स भी दूर कर सकते हैं। कोई भी स्पेस आपको ज्यादा डोमिनेट करती है। आप मंदिर में अलग महसूस करते हैं, ऑफिस में घुसते ही अलग महसूस करते हैं, खाना खाने जाते हैं अलग महसूस करते हैं। तो आपकी स्पेस में अगर हम कुछ खास काम करें तो आप हर समय अच्छा महसूस भी कर सकते हैं। यही टेक्निक्स आपको देने आई हूँ, पर इससे पहले कपूर के एसेंशियल ऑयल की बात करते हैं। कपूर का एसेंशियल ऑयल इजीली आजकल मार्केट में मिलता है। इसको यूज कैसे करें? सबसे पहले तो जहाँ कीड़े मकौड़े या जर्म्स हो वहाँ कपूर के एसेंशियल ऑयल की बॉटल का मुंह खोल कर रख दें। बस एक कपड़े में थोड़ा सा कपूर का ऑयल डुबोएं, निचोड़ें और वहाँ पर जला दें। जर्म से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा फूड आइटम्स जैसे कि दाल चावल कीड़ों से, इन सबको बचाने के लिए जिन फूड आइटम्स को आप बंद करके रखते हैं उसमें 1 या 2 ड्रॉप्स कपूर के ऑयल की डाल दीजिए। इनमें कभी कीड़ा नहीं लगेगा। अपनी बॉडी को डिसइंफेक्ट करने के लिए नहाने के पानी में 1 या 2 ड्रॉप्स कपूर के ऑयल की मिलाकर नहाएं। इसके साथ साथ अगर सिर में लाइस हो तो सिर के स्कैल्प पर कपूर के तेल को हल्का सा गुनगुना कर सिर में मालिश करें। 2 घंटे बाद धो लें, आपकी लाइस मर जाएंगी। और अगर डिफ्यूजर में थोड़ा पानी और 4-5 बूंद कपूर की एसेंशियल ऑयल की मिलाकर लगाते हैं और इसके नीचे दिया रखते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, आपकी एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होगी, आपकी नर्व्स रिलैक्स होंगी, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, टेंशन एंग्जाइटी से आपका बचाव होगा और दिल और दिमाग शांत रहेगा। यही नहीं, यह आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखेगा और आपके लंग्स को भी स्ट्रेंथ देगा। तो अगर आप स्मोक करते हैं तो कपूर की धुआं थोड़ी देर लेने से आपकी काफी नेगेटिविटी, बॉडी के अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी। अगर आपका जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो मेरे पास इसका इलाज है। क्या इलाज करूं आपका, ये बताऊंगी आपको, पर इससे पहले चलिए थोड़े पैसे कमा तो लें फिर खर्चे की बात करेंगे। वास्तु से कैसे आपको मिल सकते हैं फाइनेंशियल गेन्स ये सिखाती हूँ। हफ्ते में 1 बार घर और अपने कान की जगह पर कपूर के 2 या 3 टुकड़े जलाएं। इससे सारी नजर खत्म हो जाती है और इसका धुआं सब जगह फैलाएं। धीरे धीरे आपको फायदा मिलने लगेगा। आप एक काम और कर सकते हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, कई बार नजर लग जाती है, काम अटक जाते हैं, अपने वर्क प्लेस के सेंटर पे आप इतना सारा सी सॉल्ट समुद्र का नमक छोड़ दें। इसके उसको रात को छोड़ दें और इसके ऊपर से किसी को क्रॉस नहीं करना है, टापना नहीं है। सुबह इस नमक को हाथ से उठा लें और जाकर कहीं पब्लिक टॉयलेट में फ्लश कर लें। ऐसा 3 रात कंसेक्यूटिवली आपको करना है और फिर इसको 2 महीने बाद रिपीट करना है। बार बार रिपीट नहीं करिएगा, इससे आपके यहाँ की सारी नेगेटिविटी गायब हो जाएगी और जो भी रुके हुए काम है वो बनने लगेंगे। कुछ कलर्स बहुत सूदिंग हैं, जैसे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये रंग आपको ठीक भी कर सकते हैं। रंगों से दुनिया बनी है,
रंग ही हैं जो लाइट के फॉर्म में हमारे पास आते हैं, पर ये रंग आपको कैसे हील कर सकते हैं, किस रंग का कैसे फायदा उठाएं, ये तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ। पर इससे पहले ये जो आपकी जेब में छेद हो गया है, ये जो खर्चा इतना कर रहे हैं ना आप, इसको रुकवाती हूँ। तो खर्चा कम करने के लिए आपको क्या करना है कि मंडे को नहाने के लिए बाल्टी या टब में पानी भरें। अगर गहरी है आपकी बाल्टी तो नहाने के डिब्बे में आप थोड़ा सा पानी भर लीजिए, एक मग में पानी भर लीजिए। एक कपूर का टुकड़ा पीस लें और इसमें थोड़ा सा केसर आप पानी में मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट से आप पानी में सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर से स्वास्तिक बनाएं, ओम लिखें। इस पानी को नहाने के पानी में मिला लें और इससे नहाएं। ऐसा करने से आपके खर्चों पर पूरी तरह से आपका कंट्रोल होने लगेगा। बस इसको मंडे से स्टार्ट करें और डेली डेली करें और फर्क देखें। सिग्नेचर आपकी पर्सनालिटी को बनाता है, बिगाड़ता है और साथ साथ संवारता भी है। मैं आपको समझाऊंगी किस्मत का कनेक्शन कैसे जुड़ा है आपके सिग्नेचर के साथ या बड़ी बड़ी हस्तियों के सिग्नेचर के साथ। पर इससे पहले कुछ रंगों की बात करते हैं। अगर किसी देवी देवता को कुछ चढ़ाना हो तो कौन से कलर के फ्लावर्स आपको चुनने चाहिए, या कौन से कलर की क्रिस्टल को हीलिंग के लिए यूज करें, या कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किस रंग का इस्तेमाल करें, ये सारी जानकारी आपको आज मैं दूंगी। कलर्स और उनके हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको व्हाइट, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन कलर के बारे में बताऊंगी। व्हाइट कलर आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट को हील करता है। नेचुरल पेन रिलीवर है व्हाइट कलर। आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचाव करता है, बॉडी की नेगेटिविटी को दूर करता है, बोन्स और दांतों की मजबूती में मदद करता है। तो जब भी व्हाइट कलर पहनेंगे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अब बात करेंगे हम रेड कलर की। रेड कलर बॉडी में एनर्जी और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम से बचाता है, तो अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो लाल रंग ज्यादा पहने। ऑरेंज कलर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, वीक पल्स रेट इस रंग से बूस्ट होती है, आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है ऑरेंज कलर से, एनर्जी लेवल ग्रो करता है, गॉल ब्लैडर और किडनी प्रॉब्लम्स और एलर्जीज में आराम मिलता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है, आप थकावट महसूस करते हैं, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, ऑरेंज कलर ज्यादा से ज्यादा पहने। जानते हैं येलो कलर क्या करता है? येलो कलर आपके नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। पेट खराब रहता है, पेट पर पीले रंग का कपड़ा बांधा करें। एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करता है, एक्जिमा और स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर स्किन की प्रॉब्लम है आपको, पीला रंग ज्यादा पहने। बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि आपका मोटापा घटाता है पीला रंग। आप अगर ओवर सेंसिटिव हैं, आपको छोटी छोटी बात पे बुरा लगता है, इससे भी आपको बचाता है। चलिए अब ग्रीन कलर की बात करते हैं। ग्रीन कलर आपके हार्ट, लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरस आपको तंग कर रहा है, हरा रंग ज्यादा से ज्यादा पहने। अगर आपको एडिक्शन है, जैसे अगर आपको सिगरेट स्मोकिंग की आदत है, शराब की आदत है, हरे रंग के कपड़े में अपनी सिगरेट और शराब को रखें। ये एडिक्शन को कम करता है, बॉडी के टिश्यूज और सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है। तभी तो इतने ज्यादा हॉस्पिटल में हरे पर्दे, हरे रंग की चीजें ज्यादा हैं, क्योंकि ग्रीन कलर आपको हील करता है। अब फिर से बात करेंगे आपकी राशि की, आपके कल की। पर इससे पहले आपकी किस्मत और बिगाड़ने वाला, बनाने वाला सिग्नेचर क्या क्या कर सकता है ये बताती हूँ। अगर आपने कुछ लिखा है और उस पर आप नीचे अपना सिग्नेचर कर देते हैं, तो आपके लिखे हुए टेक्स्ट और सिग्नेचर में कुछ तो डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या क्या बताता है, चलिए जानते हैं। अगर लिखे हुए टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं उससे सिग्नेचर के लेटर्स ज्यादा बड़े हैं, तो इसका मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम बड़ी हाई है, अपनी अबिलिटीज, अपनी चीजों के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर लिखे हुए से आपके सिग्नेचर के अक्षर ज्यादा छोटे हैं, तो आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, आपका मन, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, आप जीवन में सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो अपने सिग्नेचर्स को बड़ा करिए, आप भी बड़े होते जाएंगे, आपकी पब्लिक इमेज भी बड़ी होती जाएगी। अगर सिग्नेचर पेज के लेफ्ट साइड पर आप करते हैं,
तो इंसान हालात से बचना चाहता है, और अगर सिग्नेचर पेज के बिल्कुल राइट साइड पर करते हैं तो इंसान में पेशेंस की कमी है, उसे दूसरों की गलतियों पर क्रिटिसाइज करने की आदत है। तो अपने सिग्नेचर्स हमेशा पेज के बीच में किया करें और साथ में बड़े किया करें। लव मैरिज करनी है, हो नहीं रही है, चलिए कुछ मंत्र मैं दे देती हूँ, बताती हूँ क्या करें। लेकिन इससे पहले आपकी राशि की बात। सिंह राशि के लोग ब्लैक शूज अवॉइड करें, नहीं तो कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:45 AM। वर्गोस कन्या राशि के लोग परफ्यूम लगाकर घर से बाहर जाएं, लेकिन परफ्यूम अपने स्टमक एरिया नेवल के आसपास लगाएं तो आपको दिन भर पॉजिटिविटी मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM। तुला राशि वाले लोग पर्स में रेड कपड़े के अंदर राई और साथ में सरसों दोनों मिक्स करके डालकर जाएं, यह आपका गुड लक चार्म आपके साथ रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12 PM। वृश्चिक राशि वाले लोग सीधे हाथ में घड़ी पहने, हर काम सीधा बनेगा। लकी टाइम नाइट 9:20 PM। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बाद आपका स्वागत है। आपकी स्किन की बात करते हैं, आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने की बात करते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आप कॉस्मेटिक यूज करें, मैं चाहती हूँ आप नेचुरली खूबसूरत बने। कॉस्मेटिक भी तो इन्हीं प्रोडक्ट से बनता है, तो हम नेचुरल क्यों ना यूज करें। बात करेंगे आपकी स्किन की, आप मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर एक के लिए मेरे स्किन ट्रीटमेंट्स कमाल करेंगे। पर इससे पहले आपके प्यार, आपकी शादी की बात करते हैं। अगर प्यार में सक्सेस नहीं मिल पा रही, शादी नहीं हो पा रही, तो इन मंत्रों के जाप से आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर प्यार में सक्सेस भी पा सकते हैं और अपनी जिंदगी भी बेटर कर सकते हैं। मंत्र क्या है लिखिए, ओम क्लीम कृष्णे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें डेली एक माला को। फ्राइडे को मंदिर जाकर राधा कृष्ण को प्रणाम कर उनके सामने बैठकर इस मंत्र का जाप करें। और आपका दूसरा मंत्र है ओम केशवी केशवराध्याय किशोरी केशव वसुस्तता रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता। इस मंत्र का जाप करने से भी आपकी लव मैरिज की दिक्कतें खत्म होती हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि थर्सडे को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठकर इस मंत्र को 3 बार बोलें, लेकिन स्फटिक की माला से जाप करना है। मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायण नमः। इस मंत्र का जाप करिए और अपनी लव मैरिज को सक्सेसफुल बनाइए। बात करेंगे फिर से आपकी राशि की, आपके कल की, और इससे पहले आपकी स्किन को इम्प्रूव करते हैं। फेशियल स्क्रब्स ब्लीच इन सब चीजों को छोड़ दें और जो मैं टिप्स बता रही हूँ इनको करें। सन टैन को दूर करने के लिए क्या करें, कर्ड में बेसन मिलाकर जहाँ जहाँ टैनिंग हो वहाँ 15 मिनट्स के लिए लगाकर ड्राई करने के बाद धो दें, टैनिंग उतर जाएगी। और एंटी एजिंग के लिए चेहरे पर दही लगाकर अच्छी तरह से मसाज करें, रिंकल्स भी दूर होने लगेंगे और स्किन भी साफ होने लगेगी। और एक चम्मच पिसा पपीता और एक चम्मच हनी में दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की स्किन साफ क्लियर और सुंदर होती है। और अगर आप कर्ड में एक चम्मच आलमंड ऑयल बादाम का तेल लगाकर मुल्तानी मिट्टी में लाकर फेस पर लगाते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है और रिंकल्स गायब होते हैं। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आप क्या करें आपको मैं आज बताने वाली हूँ, पर इससे पहले चलिए आपकी राशि की बात करते हैं। सैजिटेरियंस धनु राशि के लोग पीने के पानी में या नहाने के पानी में रोज पेटल्स को कुछ देर डिप करें, फिर या पी लें या नहा लें, आपका दिन लकी रहेगा। लकी टाइम नाइट 9 PM। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए माथे पर केसर का तिलक लगाएं, और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 11:50 AM। कुंभ राशि के लोग थोड़ी सी मिश्री खाकर घर से निकले और थोड़ी सी किसी पेड़ के नीचे डाल दें, आपका दिन सुपर लकी जाएगा।
और आपका लकी टाइम आफ्टरनून 3:25 PM। पाइसेंस मीन राशि के लोग घर से निकलने से पहले सीधा पैर बाहर निकालें और जब काम पे भी जाने लगे तो सीधा पैर पहले अंदर रखें। ये सीधा पैर सारे काम सीधे करवाएगा। लकी टाइम नाइट 8:50 PM। फाइनेंशियल गेन्स के लिए कुछ और खास बातें करेंगे आज, पर इससे पहले मुझसे बात करने का तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानियां नोट कीजिए, मुझे भेजिए। आपकी हर परेशानी पर हम रोज नई नई बातें करते हैं, जो सुनते हैं उसे कीजिए, तभी तो फर्क पता चलेगा। आज हम ज्योति का सवाल लेते हैं लखीमपुर से। बैंकिंग की तैयारी कर रही हैं, नाम आ जाता है लेकिन ठीक से जॉब नहीं लग पाती और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है करियर को लेकर। बात करते हैं ज्योति से। ज्योति, आप एक काम करें, रोज शाम को सनसेट के बाद शनि चालीसा करें 44 डेज, और सुबह पीपल के पेड़ में दूध के अंदर, एक चम्मच दूध के अंदर पानी डालकर आप जड़ में डालें। साथ साथ जब पढ़ाई करती हैं तो ईस्ट फेसिंग चेहरा करके पढ़ाई करें। फाइनेंशियल गेन्स के लिए क्या करें इन खास दिनों में, चलिए जानते हैं। आप 5 बेसन के लड्डू और 1 फ्रूट लेकर मंदिर जाएं। शिव परिवार में जो भगवान गणेश होते हैं उनको ऑफर करें। भगवान गणेश को चढ़ाने के बाद आप लड्डू वहीं छोड़ दें और फ्रूट वापस लेकर घर आएं और उसको प्रसाद के तौर पर खाएं। ये फ्रूट आप पहले अपने धन की जगह पर रखें कुछ देर के लिए, कुछ 1-1.5 दिन के लिए या मिनिमम 1.25 दिन के लिए, और फिर उसके बाद आप खा लें। ऐसा करने पर, बार बार रिपीट करने पर आपके फाइनेंशियल गेन्स बढ़ने लगेंगे। वक्त तो हो गया है मेरे जाने का, पर मन नहीं करता जाने का। अच्छा एक बात बताएं, अगर आप बीमार हो एक डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से दवाई लिखवा कर आ जाएं, दवाई पैक भी करवा कर ले आएं, पर कहां ही नहीं, तो क्या आप ठीक हो जाएंगे? नहीं ना। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप सिर्फ शो देखते हैं, रेमेडीज सुनते हैं, लिखते हैं मगर करते नहीं हैं, तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो आप जो कर रहे हैं उसका जब पॉजिटिव असर देखें तो लोगों के साथ शेयर करें। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव चीजें आगे फैलाएंगे उतनी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। कल ढेर सारी और नई टिप्स के साथ मैं आपका इंतजार करूंगी। समय पर आइएगा। बाय बाय, टेक केयर।